करघा एवं वस्त्रोद्योग और खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की ओर से परिषदीय स्कूलों में इस साल 70 लाख स्कूल यूनिफॉर्म की आपूर्ति की जाएगी। हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग और खादी ग्रामोद्योग विभाग के अधिकारियों को हर हाल में 15 जून तक यूनिफॉर्म तैयार कराकर स्कूलों में पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं। तो आपको बता दें, बड़ी खबर है ये, शैक्षिक सत्र 2021-22 में सभी 1,59,000 स्कूलों में ये सप्लाई की जानी है। परिषदीय स्कूलों में यूनिफॉर्म उपलब्ध कराने की व्यवस्था के संबंध में सोमवार को विधान भवन में बैठक बुलाई गई और हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग और खादी ग्रामोद्योग मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने यह जानकारी दी। इसके लिए आज अधिकारी यूनिफॉर्म की आपूर्ति की तैयारी का प्रेजेंटेशन देंगे। 15 जून तक यूनिफॉर्म तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। तो आपको बता दें कि 1,59,000 स्कूलों में ये यूनिफॉर्म्स जानी है, जिसको लेकर जो सरकार है बिल्कुल सख्त नजर आ रही है। 70 लाख छात्र पहनेंगे खादी की यूनिफॉर्म, तो बड़ी खबर है। खादी को एक तरीके से प्रमोट करने की भी पहल है ये खादी को प्रमोट करने के लिए 70 लाख। तो हमारे सहयोगी चंद्रमणि शुक्ला हमारे साथ जुड़े हैं। जी चंद्रमणि, जिस प्रकार से सरकार खादी पर जोर दे रही है, खादी को प्रमोट करने के लिए है या खादी जिस तरीके से एक तरीके से कहेंगे सस्ती भी मिलती है, तो ऐसे में सस्ते कपड़े स्कूलों तक पहुंचे, छात्रों को अधिक से अधिक छात्रों को यूनिफॉर्म मिले, ये ऐसा कुछ है? जी बिल्कुल, जिस तरह से अगर खादी की बात करें तो खादी उद्योग और जो विभाग से जुड़े हुए इनसे इनका तर्क ये भी है कि जिस तरह से जो छात्र हैं उनको जब इस तरह की ड्रेस मुहैया कराई जाएगी उससे रोजगार बढ़ेगा और साथ में जो खादी है, खादी जो देश की पहचान है, उससे जो छात्र हैं वो भी रूबरू होंगे और जब वो खादी पहनेंगे तो खादी का वो सम्मान करेंगे और आगे भी वो खादी के वस्त्र धारण करेंगे। ये सरकार की तरफ से खादी को बढ़ावा देने के लिए इस तरह की पहल की जा रही है। अब ये कितना कारगर होगी ये आने वाला वक्त बताएगा। जी चंद्रमणि, वही अगर देखा जाए, जैसे पहले भी स्कूलों में यूनिफॉर्म्स मिलती थी छात्रवृत्ति के तौर पर, तो ठीक उसी प्रकार ये यूनिफॉर्म भी मिलेंगी? जी बिल्कुल, ये उसी तरह से यूनिफॉर्म दी जाएगी जिस तरह से पहले भी दी गई थी, पर इस बार जो है वो खादी निर्मित होगी और इसको लेकर आज 15 फरवरी है, आज के लिए कहा गया था कि आज इसका जो जिस तरह से किस तरह से तैयार की जाएगी इसकी रूपरेखा पूरी तैयार कर ली जाएगी और ये जून तक की छात्रों को उपलब्ध करा दी जाएगी और आज ये निर्धारित हो जाएगा कि किस तरह से छात्र उनका क्या अच्छा जो ड्रेस होगी वो किस तरह से होगी और किस तरह से सप्लाई की जाएगी इसकी रूपरेखा तैयार कर ली जाएगी। जी चंद्रमणि, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खबर पर।